मॉइस कॉइल का क्वेश्चन करेंगे, 8 मार्क के लिए आता ही आता है, कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट भी कर सकता है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड और इजी वे बताऊंगा। मैं क्वेश्चन आपको लिख लिया है, तो कोई स्टूडेंट के पास बुक नहीं वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करता हूँ। राइट अ मॉइस कॉइल स्टेटमेंट टू क्रिएट टेबल बिल हैविंग फॉलोइंग कॉलम। बिल नंबर ब्रैकेट ओपन बी एस नंबर स्मॉल इंट प्राइमरी की ब्रैकेट क्लोज प्रोडक्ट नेम ब्रैकेट ओपन पी आर नेम कैरेक्टर विथ वेरिएबल 15 कॉलम ब्रैकेट क्लोज क्वांटिटी ब्रैकेट ओपन क्यू ई टी इंटीजर एंड पॉजिटिव ब्रैकेट क्लोज एंड अमाउंट ब्रैकेट ओपन ए टी एम 6 इंटीजर एंड 2 डेसिमल शुड नॉट बी एम्प्टी। कुछ समझ में आया? बाउंसर गया, सब लोग को बोले बाउंसर गया। मेरे टाइम पे हम लोग को भी पढ़ाया था तब बाउंसर गया था। मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो, सबसे पहले टेबल क्रिएट टेबल करना है। टेबल का नाम क्या है? ये देखो, क्रिएट टेबल बिल। तो क्रिएट टेबल का, अब देखो ब्रैकेट के बाहर है ना उसको कट कर देने का, और ब्रैकेट के अंदर है उसको रहने देगा। देखो बिल नंबर बाहर है उसको कट कर देने का, जो जो बाहर है देखो, और बी एस नंबर स्मॉल इंट अंदर है उसको रहने देगा। प्रोडक्ट नेम को कट कर देने का, और पी आर नेम पे कैरेक्टर विथ वेरिएबल उसको अंदर रहने देने का। अब देखो क्यू ई टी और इंटीजर स्मॉल इंट पॉजिटिव को रहने देने का, ब्रैकेट के बाहर क्वांटिटी है ये देखो, और अमाउंट बाहर है उसको रहेगा, अंदर के ए टी एम 6 इंटीजर 2 डेसिमल शुड नॉट बी एम्प्टी, ये हो गया। अब देखो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आपको कुछ कुछ जगह पर वर्ड ऐड करना रहेगा और कुछ कुछ जगह पर सेम टू सेम लिखना रहेगा। सॉल्यूशन करेंगे। अभी देखो आई होप आपको दिखता रहेगा। हाँ दिख रहा है। अभी क्या है क्रिएट टेबल, आपको देखो फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखना है आंसर क्या है। क्रिएट टेबल क्या नाम है? बिल। बिल हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, इधर ब्रैकेट ओपन। अभी क्या है बाहर वाले को कट कर दिया, अंदर क्या है बी एन नंबर, बी एन नंबर स्मॉल इन एल ए स्मॉल इन प्राइमरी की और कॉमा दे दो, ये हो गया फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड क्या है प्रोडक्ट नेम, तो अंदर का नाम क्या है पी आर नेम, नेम देखो कैरेक्टर विथ वेरिएबल, तो उसको क्या लिखेंगे? देखो कैरेक्टर विथ वेरिएबल तो उसको वेर कैर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेर कैर, वेर कैर ब्रैकेट ओपन 15 है तो 15 ये आंसर आएगा। इसकी जगह पे आपको ये लिखना है कैरेक्टर विथ वेरिएबल रहेगा 15 को, तो उसको वेर कैर लिखेंगे 15, वेर कैर, कैर कितना है 15, 15 और इधर कॉमा देने में, ये हो गया सेकंड भी हो गया। अभी 6 क्या है अपना क्वांटिटी, तो इधर देखो क्या लिखा है क्यू टी वाई, देखो इंटीजर लिखा है ना इंटीजर, उसको ना इंट लिखने का आपको, इधर क्या लिखने का इंट, इंट लिखा। अभी देखो मैं आपको इधर बता दूं इंट, इसकी जगह पे क्या लिखा इंट, इंट और देखो ये क्या लिखा है पॉजिटिव, तो इसको लिखो क्या लिखने का अंश है, अंश है, अंश हो गया। अनसाइन, अनसाइन हो गया और इधर कॉमा दे देने का, कॉमा दे दिया हो गया। अभी क्या लिखा है अमाउंट, अमाउंट को कट किया, अंदर क्या है एटीएम दिख रहा है ना, ये देखो एटीएम 6 इंटीजर एंड 2 डेसिमल शुड नॉट बी एम्प्टी, तो क्या लिखेंगे एटीएम, ए एम टी। अभी क्या है 6 इंटीजर और 2 डेसिमल, तो उसको क्या लिखने का डेसिमल, पहले डेसिमल लिख देने का डेसिमल, और देखो
सिक्स प्लस टू कितना हो, एट कॉमा टू, एट ये दोनों का प्लस किया और टू ऐसे का एज इट इज कॉपी इधर कर दिया, और क्या शुड नॉट बी नल, तो उसको नॉट नल लिखेंगे, नॉट नल। क्या देखो एटी है, ए एम टी सिक्स इंटीजर एंड टू डेसिमल शुड नॉट बी एम टी। अब मैं आपको इधर ही लिख रहा हूँ, क्या ये हैंड राइटिंग खराब होगा ना, डेसिमल डेसिमल सिक्स प्लस टू एट कॉमा टू आया, अभी क्या है शुड नॉट बी एम टी, तो इसको कंटिन्यू ही लिखने का आपको, नॉट नल, नॉट नल ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलम, आंसर हो गया। मैं आपको देखो दोनों बता देता हूँ एक साथ रहेगा, ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो और ये उसका आंसर है, ये उसका आंसर है। चलो हो गया, थैंक।